वेलकम एवरीवन, स्वागत है तुहाडा सब दा बीएड विद गगनदीप कौर चैनल ते। ते अज आप डिस्कस करन वाले हाँ कि हाउ टू मेक लैसन प्लैनस इन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी तुहाडा मीडियम होवे उह तुसीं किवें बना सकदे हो। मैं एक लैसन प्लैन दी एग्जाम्पल लई है, कोई भी तुहाडा सबजैक्ट होवे किवें तुसीं लैसन प्लैन बनाउणे आ। सब तो पहला विद्यार्थी अध्यापक दा नाम दा रोल नंबर, ठीक है, विशा, इसको इसनों हिंदी विच विषय बोलांगे आपां, ते इंग्लिश विच बोलांगे सब्जेक्ट। उप विशा यानी कि टॉपिक हिंदी विच उप विषय, ठीक है। ओवें डेट, क्लास ते समा सारे सब्जेक्टां दे विच सेम ही हुंदा है। ये जिहड़ा लिखा होया जिवें सधारण समगरी, विशेष समगरी, सधारण उदेश, विशेष उदेश, पूर्व ज्ञान दी परख, उप विषय की घोषणा, ये सारे तुसीं चाहे किसी भी सब्जेक्ट दा बना रहे हो सारे दे विच लिखना है। उप विषय दे विच तुसीं जिवें जिहड़ा लैसन चूज़ कर रहे हो, जिहड़ी बुक दा कर रहे हो, जिहड़े सब्जेक्ट दा कर रहे हो, उसका नाम आऊगा, ठीक है। समगरी दे विच जिवें जिहड़ा आपां टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं ओह लिख सकते हैं। स्पैशल टीचिंग एड्स दे विच तुसीं लिख सकते हो जिवें कोई चार्ट हो गया जां कुछ भी, कोई प्रोजेक्ट हो गया, मॉडल हो गया ओ, ठीक है। इस तरह ये सारे सेम ही रहिंदे आ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता भी सारे सब्जेक्ट्स दे फाइल्स मैं तुहाडे नाल शेयर करा, इसलिए मैं तुहानूं दसदी हां कि तुसीं अपने आप किवें बना सकते हो। उस तो बाद अध्यापन विधि कि यूज़ करिए तुसीं, भाषण, ठीक है, लैक्चर मैथड जिवें इंग्लिश दे विच आपां इसनूं कह सकते हैं, भाषण विधि करिए, एक्सप्लेनेशन मैथड कीता, व्याख्या विधि जिहनूं आपां पंजाबी दे विच कह दिंदे आ। उस बाद चार कॉलम बनाउणे हुंदे तुसीं, एक तां विशा वस्तु, विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ठीक है, एक चाक बोर्ड, ये चारे कॉलम बनाने, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सारे यही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उस तो बाद विशा वस्तु दे विच तुसीं विद्यार्थी नूं की पढ़ा रहे हो, की समझा रहे हो, वह लिखा जाऊगा। जरूरी नहीं सारा लैसन ही लिखना, मेन लाइना तुसीं लैसन दियां लिख सकते हो। इहदे विच विद्यार्थी की कर रहा, सुन रहा, लिख रहा, की कर रहा वह लिखना होगा, सॉरी अध्यापक की कर रहा, किवें पढ़ा रहा वह लिखना, विद्यार्थी दी की क्रिया, विद्यार्थी की कर रख्या, कर रहा वह लिखना, चाक बोर्ड ते तुसीं की लिखा वह इत्थे लिखना। यही चार कॉलम बना के एंड ते तुसीं एक कॉलम बनाना हुंदा भी एंड ते तुसीं उन्हां नूं की दिता, घर दा काम दिता, अंतिम दोहराई लिखोगे, उस तो बाद घर दा काम लिखोगे, ठीक है। अंतिम दोहराई तो बाद यही कॉलम सारे हुंदे आ, सारा लैसन प्लान तैयार हो जाता चाहे कोई भी सबजैक्ट होवे। फॉर एग्जाम्पल थोड़े को समाजिक विज्ञान है, ठीक है, किसी भी जमात की, ये कि पार्ट आ, कि पार्ट का तुम लैसन प्लान बना चाहते हो उस अकॉर्डिंग लै सकते हो, ठीक है। जिमें अपना हो गया फस्ट पार्ट हो गया भूगोल, भूगोल के बना रहे हो तो उप विशा जिमें मान लो पहला पार्ट पढ़ा रहे हो वातावरण हो जूगा, ठीक है। इतिहास के पढ़ा रहे हो उप विशा मान लो तुम ये लै रहे हो तो इसमें लिख दो, ये बना रहे हो, ठीक है। तो पोलीटिकल साइंस के जो तुम बना चाहते हो तो जिम्मे मान लो उप विशा लोकतंत्र समानता तुम लै रहे हो, इस तरीके लोकतंत्र बारे तुम जो जो भी उन्होंने पढ़ाओगे, जो जो भी समझाओगे वह तुम लिख सकते हो। हुण लोकतंत्र समानता है कि उस नाल रिलेटड आप विशा वस्तु लिखांगे विद्यार्थी नूं समझाने लई, ठीक है, भी लोकतंत्र की है उस बारे जिवें जिवें तुसीं दसोंगे वह सारा तुसीं विशा वस्तु दे विच लिखोगे। विद्यार्थी अध्यापक क्रिया दे विच लिखोगे भी विद्यार्थी अध्यापक है जिहड़ा उह लोकतंत्र बारे विद्यार्थियों नूं समझावेगा, ब्लैक बोर्ड ते लिख के समझावेगा जां चार्ट दी मदद नाल समझावेगा वह लिखोगे। विद्यार्थी की करनगे उस नूं सुणनगे ध्यान नाल जां फिर कापियां ते लिखणगे। जिमें मान लो भी तुसी पूरा लैसन प्लैन जो लिखोगे तो बहुत बड़ा नहीं लिखना जां फिर पूरा लैसन नहीं रीड करना, तो जिहड़ा आह याद रखन योग नुक्ते दित्ते हुंदे आ इन्हां नूं ही अपना एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी हैल्पफुल है, इन इस दे विच दो चार लाइना कुछ होर ऐड कर सकते हो, तो जिहदे नाल अभ्यास जे तुसी जिहड़ा अंतिम दोहराई देनी है जां घर दा काम देना तो उस दे विच इसे अभ्यास विच चुक के तुसी दे सकते हो, ठीक है। अगे गल करांगे आपां इंग्लिश दी भी, इंग्लिश दे लैसन प्लैन किवें बनाउणे आ, ये आपां एक इंग्लिश दी बुक लई है उहदे अकॉर्डिंग देखदे आ। जिवें आ तुहाडे टॉपिक होणगे सारे लैसन नेम हो सकदे आ, जे कुछ ग्रामर वर्क करवा रहे हो, जे तुसीं लैसन दा बना रहे हो तो जिवें अपने कोल जिहड़ा भी लैसन नेम होगा उस नूं आपां लिखांगे संखेप दे विच, ठीक है, पूरी पूरी स्टोरी तक क्योंकि इन्नी लंबी आप नहीं लिख सकते, तो ये जिवें ग्रामर दिती हुंदी है, ठीक है, वो ग्रामर का टॉपिक तुसी बना रहे हो
ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਊਨ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਪ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਗਰਾਮਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੋਸ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ